हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो HyperOS की बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो रोल आउट हो रही हैं। कुछ मी पायलट टेस्टर रिलीज है, कुछ पार्शल और कुछ पब्लिक की हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर HyperOS 1.040 UMTINXM, ये 463 MB की अपडेट जो है Redmi Note 12 4G के लिए रिलीज कर दी गई है। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो गो एंड चेक आउट, आपको ये अपडेट मिल चुकी होगी मई के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। अगर नहीं मिली है तो विद इन फ्यू डेज आपको ये अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट जो रिलीज की गई है वो है Xiaomi HyperOS 1.040 ULSIMXM, ये 87 MB की अपडेट है, मई का सिक्योरिटी पैच लेवल है और ये है Poco M4 5G एंड Redmi 11 Prime 5G। तो इन दोनों ही डिवाइसेस के लिए 87 MB की अपडेट रिलीज कर दी गई है इंडिया में। तो अगर आपके पास इनका कोई भी डिवाइस है इन दोनों में से तो आपको अपडेट मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो विद इन फ्यू डेज आपको ये अपडेट मिल जाएगी फुल रोल आउट जब होगा। नेक्स्ट अपडेट है यहां पर Redmi Note 13 Pro एंड Poco X6 5G के लिए। तो Xiaomi HyperOS 1.0.70 UNRIXM की जो अपडेट है 319 MB की अप्रैल के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ रिलीज कर दी गई है। तो गो एंड चेक आउट, पार्शियल रोल आउट जो है स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ये अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगी अगर नहीं मिली है तो गो एंड अपडेट योर डिवाइस। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर Redmi K50i के लिए। तो फाइनली यह रोल आउट जो है वो स्टार्ट हो चुका है Xiaomi HyperOS 1.010 ULOINXM 5.3 GB की Android 14 के साथ ये अपडेट जो है वो रिलीज कर दी गई है। तो अपडेट जो है अभी रिलीज की गई है, तो यहाँ पर कम से कम जो है वो इसको 20 या 30 दिन लग जाएंगे सभी यूजर को मिलते। पब्लिक में रोल आउट जो है वो एंड ऑफ मई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट आप लेकर चलिए, अगर आपने मी पायलट टेस्टर का फॉर्म नहीं भरा था तो आपको अभी अपडेट मिलते 20 दिन तक लग सकते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही ये अपडेट जो है वो पब्लिक में फुली रोल आउट कर दी जाएगी। तो वेट कीजिए, आपको अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगी। यार अगर आपके पास Redmi 12 5G डिवाइस है तो आपके लिए गुड न्यूज है। अप्रैल के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ Xiaomi HyperOS की 1.040 UMWINXM की जो अपडेट है 364 MB की रिलीज कर दी गई है। तो ये पब्लिक रोल आउट है, पार्शियल रोल आउट जो है स्टार्ट हो चुका है। तो गो एंड अपडेट योर डिवाइस अगर आपके पास Redmi 12 5G है। तो यार अगर आपके पास Redmi Note 13 Pro Plus 5G डिवाइस है तो आपके लिए गुड न्यूज है। मई के सिक्योरिटी पैच की जो अपडेट है रिलीज कर दी गई है HyperOS 1.080 UNOINXM, ये 165 MB की अपडेट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिक्योरिटी पैच है और कुछ बग फिक्सेस है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बट अपडेट जो है वो रोल आउट की जा रही है, तो गो एंड अपडेट योर डिवाइस। तो यार यही जो है छोटे मोटी अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।